तो वो मुझे वो टाइम याद है कि भाई जब वंशी स्पोर्ट्स पे गिनती के चार पैर थे और पैड की कहूँ तो 8 से 10 पैड थे और क्या बहुत सारा सामान तो था ही नहीं, बस ये कि शॉप ओपन करके बैठ गए थे हम लोग। फ्लैट के ऊपर वाला लड़का ना वहाँ जॉगिंग वॉगिंग करने गया था तो वो आ गया, तो फिर अपनी मम्मी पापा को बता रहा कि ये तो वहाँ पे इनकी तो स्पोर्ट्स की दुकान थी, दुकान हमारी उस टाइम भी थी पर छोटी सी दुकान थी, तो फिर लोगों को बता दिया उसने ये तो वहाँ पे ठिया लगाता। फिर वो अंडे से बोलने लग गई, एकदम भैंस वैस हो जाती है भाई पड़ोसियों से, तो कहना नहीं तुम तो वहाँ ठिया लगाते हो ये वो। हमने कहा चलो भाई देखो सारे दिन आते हैं ठिया लगाते हैं, तुम ठिया भाई प्रॉपर आप उस पर लगाए जैसे मतलब जहाँ ग्राउंड होते हैं ना नॉर्मल ग्राउंड होते हैं, तो उनके बाद हमने अपनी स्टॉल लगाई वहाँ पे बॉल देखते थे, हम वो सारी चीजें ले लेके जाते थे। और शॉट बनने के बाद भाई देखो भाई का रिएक्शन, चलो ठीक है आप ज्यादा मतलब ज्यादा बेइज्जती मत करो यार अपने दोस्त की, भाई इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। भाई क्वेश्चन आंसर आने वाला है वंश स्पोर्ट्स का। मुझे याद है वंश स्पोर्ट्स की जब शॉप ओपन हुई थी, भाई आप बैट देख सकते हो, वंश स्पोर्ट्स की जब शॉप ओपन हुई थी ना भाई गिनती के चार बैट थे है ना भाई, बहुत कम था माल तो भाई जो चार हजार भाई पर्चे बटते थे, पर्चे बांटते थे, पर्चे खुद बांटे हमने ठीक है। और सुबह संडे भाई डेली संडे होता था तो संडे को 5 बजे उठते थे भाई, मैंने हर बंदे का स्पोर्ट्स की दुकान देखी, किसी ने इतना स्ट्रगल नहीं किया, अपनी बात नहीं बोल रहा यार अपने लिए बोल रहे हैं, पर भाई ठिया लगाते थे, ठिया भाई प्रॉपर आप उस पे लगाए जैसे मतलब जहाँ ग्राउंड होते हैं ना नॉर्मल ग्राउंड होते हैं, तो उनके बाद हमने अपनी स्टॉल लगाई वहाँ पे बॉल बॉल देखते थे, हम वो सारी चीजें ले लेके जाते थे, सुबह 6 बजे आते थे 10-11 बजे आते, उसके बाद दुकान वकान तो खुली रहती, दुकान भी खुली रहती थी, फूफा जी वगैरह 4-5 बंदे थे हम घर के, एक और ग्राउंड था, 2-2 ग्राउंड में जाते थे भाई 10 किलोमीटर वो, ये तो हमारा बिल्कुल पास था मान लो 15-20 मिनट का रास्ता था, तो वहाँ पे स्टॉल लगाते, बहुत बंदे मिलते दोस्त यार भी यार यहाँ पे तो ठिया लगा के बैठ खड़ा हुआ है भाई, तो वो भी करते थे अबे यार मतलब ये भी मिल गया ये मिल गया, सिस्टम ये मतलब दोस्तों था पर ये अपना इस फील्ड का कुछ काम वाम नहीं करता था, तो ये भी मिल गया कह रहा तुम यहाँ पे खड़े हो। फिर हम जहाँ रहते हैं मतलब हमारा मकान है फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर वाला लड़का ना वहाँ जॉगिंग वॉगिंग करने गया था तो वो आ गया, तो फिर अपनी मम्मी पापा को बता रहा कि ये तो वहाँ पे इनकी तो स्पोर्ट्स की दुकान थी, दुकान हमारी उस टाइम भी थी पर छोटी सी दुकान थी, तो फिर लोगों को बता दिया उसने ये तो वहाँ पे ठिया लगाते, फिर वो अंडे से बोलने लग गई, एकदम भैंस वैस हो जाती है भाई पड़ोसियों से, तो कहना नहीं तुम तो वहाँ ठिया लगाते हो ये वो। हमने कहा चलो भाई देखो सारे दिन आते हैं सबका दिन, भाई टाइम जो है हमेशा चेंज होता है टाइम, और भाई मेहनत देखो मेहनत की बात होती है, सारी काम है मेहनत का, ईमानदारी से काम किया मेहनत से, बहुत सारे देखो अभी भी लोग आते हैं अभी भी बुराई करते हो करते हैं, तो देखो टाइम टाइम की बात है, मेहनत कर जाएंगे आगे बढ़ते रहेंगे, अभी बहुत पीछे हैं पर वक्त रहा भगवान का प्यार सपोर्ट रहा, अभी इतनी दुकान इससे बड़ी होगी सारी मल्टीपल, बस जैसे कहता है लग्जरी शोरूम खोलेंगे बाबा की मेहर रही, आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहा, सारा खेल तो उसी का ही है बस भाई, पूरा गेम ये है कि अपना प्यार बनाए रखो और भाई कंटिन्यू यार वंश स्पोर्ट्स काम करता है अपने ग्राहकों को मतलब एक अच्छे से अच्छा वेलकम देने के लिए। 10 बंदे देखिए आपका प्यार है, कहाँ हम खुद मेहनत करते थे, अभी हम एक ग्राउंड में जाते हैं अभी भी हमारा भाई चला जाता है एक ग्राउंड में, क्योंकि वहाँ के बहुत बंदे देखो, अभी मैं आपसे बोल दूँ फ्लैक्स करने के लिए कि भाई कोई नहीं जाते पुछते पे नहीं हम नहीं जाते, पर अभी एक ग्राउंड है जहाँ जाते हैं मैं किसी एक बार ठीक है, अभी भी हमारा एक ग्राउंड है जहाँ पे अभी वो भाई चला जाता है, पर अभी ये पहले से इंप्रूव है, पहले तो भाई ठीक है मतलब स्टूल स्टूल लगा दिया, अब गाड़ियों पर माल लगता है, गाड़ी के ऊपर लगता है माल, बंदे आते हैं एक लड़का भी जाता है साथ में, तो कोई टेंशन नहीं है, एक लड़का जाएगा जो आपको माल वाल दिखाएगा, तो देखो ये प्यार और सपोर्ट है, पहले हम भाई खुद काम करते थे, आज मेहर है लोग इतने सारे हैं और इतने सारे बंदे हमारे 12-15 बंदे टोटल लगा के हमें हटा के मतलब हमारे जितने परिवार पूरा हटा के परिवार के जबकि सबके कर रहे हैं, बहन भी आ गई तो भाई भाई हैं फूफा जी हैं सारे बंदों को हटाने के बाद तब भी हमने 15 बंदे काम कर रहे हैं भाई, 15 बंदों में बहुत बंदों की देखिए हर चीज कम से कम 2-2.5 लाख की सैलरी बढ़ती है महीने की, ध्यान देना इस बात को मुझे वो टाइम याद है कि भाई जब वंश स्पोर्ट्स पे गिनती के चार पैर थे और पैड की कहूँ तो 8 से 10 पैड थे और क्या बहुत सारा सामान तो था ही नहीं, बस ये कि शॉप ओपन करके बैठ गए थे हम लोग। हाँ एंड आज भाई साहब मतलब टाइम एक तरीके का टाइम है, एंड यहाँ माल तो कुछ नहीं ऑफिस में, ऑफिस का तूने लुक नहीं दिखाया इनको भाई, यार ऑफिस की वीडियो नहीं आया अभी तक इस वाइज चैनल पे, बट भाई कल वीडियो आएगी, अरे तू ले आया कल वीडियो चलो ठीक है, आप जब ये वीडियो देखोगे ना तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना भाई शॉप जो हमारा वो है ना क्या है ऑफिस हमारा जो हमारा ऑफिस है ना ऑन मेन ऑफिस 17 तारीख को भी इसकी वीडियो डल जाए तो भाई आज 16 तारीख है ना क्वालिटी नहीं तो भाई आईफोन हाथ में आ गया भाई, अब सारी वीडियो आएंगे तो भाई टेंशन नहीं लेने का, मैच देखने का एंड 8 ओवर एंड देखते हैं अभी यार एफसी ब्लॉगर की वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब, ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ा बहुत मजा आया हो थोड़ा इंस्पायर हुए हो आप वंश स्पोर्ट्स की जर्नी से तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना यार चैनल को, एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, तो एक लाइक हमारे पॉपी भाई के लिए जो सुबह आते हैं एंड शाम तक उठते हैं,
जब तक शॉप ऑफ नहीं होती भाई। एक बार बात, ये मेरा पीछे दोस्त है हमारा, बचपन का ही दोस्त है मोहित, ठीक है भाई। आया अपने अपने दुकान, अपने मतलब इसकी भी भाई खुद की दुकान है, मैंने उसकी होलसेल की है, होलसेल है किसी को माल चाहिए, ज्वेलरी आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक का जो भी सामान चाहिए होलसेल के लिए, तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये बंदा नंबर तो वैसे ही डालेगा, नंबर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ, नंबर डाल रहा है, ये नंबर डाल रहा तुम मेरे, डाल दिया भाई नंबर डाले करते हैं ऑफ सुनको लेता, हम भी तो बोल रहे हैं भाई, इज्जत कर ले चला सी। कंटेंट पूरा वन स्पूट नाम पे ले रहा भाई, हम तो खुल्ला बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे भाई 1000 व्यूज आते भाई, इतने तो हम फेमस नहीं है कि भाई लाखों में फेमस होंगे, पर ये भी आकाश हमारा भाई है और हम चाहते हैं आकाश के बहुत जल्दी बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, ताकि हमें पार्टी दे भाई। इतना कंजूस बंदा है, आज तक अल्लाह 10 रुपए खर्च नहीं कर, 50 रुपए दे दे एक बार, कितने दिन हो गए 50 रुपए दे दे, क्यों कह रहा भाई यूट्यूब पे जब पैसा आएगा जब खर्चा करूंगा, कंट्रीब्यूशन के नाम पे 25 रुपए नहीं निकलते इस बंदे से। चलो ठीक है, ज्यादा मतलब ज्यादा बेइज्जती मत करो यार दोस्त, इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। तो भाई चलो आज का तो लोग यही करते हैं, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चौथी बार कह रहा हूँ, तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, एंड बाय बाय।